नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए करीब दो घंटे से ईडी दफ्तर में मौजूद हैं राहुल गांधी। आज तीसरे दिन हो रहे हैं सवाल जवाब। राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भी सड़कों पर उतरे। कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक जमकर हुआ बवाल। ईडी के खिलाफ प्रदर्शन में महिला मोर्चा ने भी जमकर हंगामा किया। सड़क पर लेट गई महिलाएं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों को बस में भरकर ले गई पुलिस। ईडी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने ईडी तक जाने वाले हर रास्ते पर सुरक्षा बढ़ाई। मानसिंह रोड पर भी बैरिकेडिंग और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कांग्रेस ने बीजेपी शासन के 8 सालों का काला अध्याय बताया। कहा इन 8 सालों में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इतिहास लिखा जाएगा तो काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। काला अध्याय इसलिए कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी की पेशी के तीसरे दिन भी कांग्रेस का बीजेपी पर हमला जारी। सीएम अशोक गहलोत की बीजेपी आरएसएस को चेतावनी। कहा ये हरकतें जो कर रहे हैं वो इनको बहुत भारी पड़ने वाली है। ये जो हरकतें कर रहे हैं लोग, इनके भारी पड़ेगी। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा सरकारी एजेंसी पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के सीएम गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल की दिल्ली में मौजूदगी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। पूछा 3 दिन से अपना राज्य छोड़कर दिल्ली में क्यों। क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद। शोपिया एनकाउंटर में बैंक मैनेजर की हत्या का आरोपी आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। कुलगाम में 2 जून को हुई थी बैंक मैनेजर की हत्या। रात भर ऑपरेशन रोकने के बाद कुलगाम में एक बार फिर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यहां के कुजर इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक आतंकी टीचर रजनी बाला की हत्या का जिम्मेदार है। घाटी में एनआईए की छापेमारी जारी। श्रीनगर और बारामूला में एनआईए की टीम ने छापे मारे। एसआईटी और अन्य जांच एजेंसियां भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेंगी। बिश्नोई फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा घेरे में दिल्ली से लेकर गई थी पंजाब पुलिस। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती रही। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी अग्निपथ योजना के विरोध में उतरे अभ्यर्थी। उग्र विरोध प्रदर्शन के दौरान आगजनी की गई। बिहार के बक्सर में अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन। सेना की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों ने रेलवे ट्रैक जाम किया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 29 जून तक भरे जा सकेंगे नामांकन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं का मंथन। आज ममता बनर्जी ने सोनिया, उद्धव, लालू समेत
22 नेताओं को भेजा न्योता। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे बैठक। विपक्षी दलों की इस बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। राष्ट्रपति चुनाव पर अखिलेश यादव का बयान, कहा जो निर्णय ममता बनर्जी लेंगी वही समाजवादी पार्टी का निर्णय होगा। गैर बीजेपी शासित राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी को ममता ने बैठक में नहीं बुलाया है। बीजेपी से करीबी की वजह से ममता की दूरी बनाने की खबरें हैं। विपक्षी नेताओं के साथ मंथन से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिली ममता बनर्जी, मंगलवार शाम पवार के घर जाकर की मुलाकात। ममता बनर्जी की बुलाई गई विपक्ष की बैठक से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी किनारा किया, कहा मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया, अगर बुलाया भी जाता तो नहीं जाता, इसकी वजह कांग्रेस है। अयोध्या दौरे के लिए लखनऊ पहुंचे आदित्य ठाकरे का लखनऊ एयरपोर्ट पर शिव सैनिकों ने स्वागत किया, फूल और शिवसेना के झंडों से सजावट की गई। अयोध्या में आदित्य ठाकरे के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में शिव सैनिक पहुंचे, सभी शिव सैनिकों ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के दर्शन किए। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में उतरे संत, हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने उद्धव परिवार की तुलना राक्षस से की। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर मुंबई सेशंस कोर्ट में सुनवाई टली, जमानत की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों पर अब 27 जून को होगी सुनवाई। नवनीत राणा की गिरफ्तारी मामले में संसद की विशेषाधिकार समिति आज करेगी सुनवाई, महाराष्ट्र के डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब आज ईडी की पूछताछ में नहीं होंगे शामिल। दापोली रिजॉर्ट मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, रिजॉर्ट के निर्माण में नियमों की अनदेखी का आरोप है। सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो जारी किया, वीडियो में शक्तिपीठ श्री देवी मंदिर के आसपास के इलाकों में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे दिखाई दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नूपुर शर्मा को लेकर मंत्रियों के बयानबाजी पर रोक लगाई, कहा कोई भी मंत्री अनाप शनाप बयान नहीं देगा, मंत्रियों को पूरे विवाद से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। रांची हिंसा में अब तक 8 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला नवाब चिश्ती भी पकड़ा गया। रांची हिंसा की आग भड़काने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा, नवाब चिश्ती ही गैंग्स ऑफ वासेपुर व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है। नवाब चिश्ती ने प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी। रांची हिंसा भड़काने में इस व्हाट्सएप ग्रुप की अहम भूमिका बताई जा रही है, ग्रुप के अन्य लोगों की तलाश में भी पुलिस जुट गई है। रांची हिंसा में गिरफ्तार नवाब चिश्ती की 2 तस्वीरें सामने आई हैं, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बंधु तिर्की के साथ दिखा आरोपी, जेएमएम नेता महुआ मांझी के साथ भी तस्वीर। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार पर गंभीर आरोप, कहा हिंसा के आरोपियों के प्रति झारखंड सरकार सहानुभूति रखती है। 1984 के सिख दंगों में जांच के लिए बनाई एसआईटी टीम ने की बड़ी कार्रवाई, कानपुर के घाटमपुर से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नूपुर विवाद में जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन पर कार्रवाई, पुलिस ने 30 की गिरफ्तारी की, 72 साल के अनवरुद्दीन को पहले भी दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रयागराज हिंसा के बाद एक्शन में बिजली विभाग, अटाला के 500 से ज्यादा देनदारों को नोटिस दिया, बिल जमा नहीं करने पर लाइन काटने और कुर्की की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 104 घंटे बाद ऑपरेशन जिंदगी में मिली सफलता, 11 साल के राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये राहुल को बच्चे को निकाल लिया गया, उसे ऑक्सीजन लगाया गया है और अब राहुल को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। राहुल के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर, जांजगीर से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बिलासपुर के अपोलो हॉस्पिटल उसे भेजा गया। ये एम्बुलेंस रवाना हो गई है और एनडीआरएफ के लोग सीएम भूपेश बघेल ने मासूम राहुल की तस्वीर ट्वीट की, राहुल की आंखों में दिखी मौत से लड़कर बाहर निकलने की झलक। सेना एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बच्चे के सुरक्षित निकलने पर हर किसी के चेहरे पर दिखी खुशी, लोगों ने जवानों को कंधे पर बैठा। जयपुर में पेट्रोल पंप बंद रहने की अफवाह फैली, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर उमड़ी भीड़, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पेट्रोल पंप बंद रहने की खबर से इनकार किया।
एमपी के ओरछा में बीजेपी नेता उमा भारती ने शराब की दुकान में फेंका गोबर, मंदिर के आसपास शराब की दुकान हटाने की मांग की। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस वांटेड बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई के जुहू चौपाटी पर हादसा, बीच पर घूमने आए तीन बच्चे डूबे, दो बच्चों का शव बरामद, एक की तलाश जारी। चेन्नई में रेलवे ने योगा प्रोग्राम का आयोजन किया, इंटरनेशनल योगा डे की तैयारियां शुरू की। केदारनाथ धाम में प्रशासन की अनोखी पहल, पानी की खाली बोतल ले आने पर 10 रुपए देगा प्रशासन, 65 दुकानों पर लगाए गए QR कोड। असम के काजीरंगा में साइकिल सवार पर तेंदुए ने किया हमला, बाल बाल बचा साइकिल सवार, गाड़ियों को देखकर भागा तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आग का तांडव, जुवारहट्टी एयरपोर्ट के पास जंगलों में लगी है आग। गुवाहाटी में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, गुवाहाटी के कई इलाकों में बारिश ने मचाई तबाही। शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।